कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का बड़ा बयान सामने आया है। हरिद्वार पहुंचे किशोर उपाध्याय ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस में उनके साथ न्याय नहीं हुआ। किशोर उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस को स्थापित करने में जितना हरीश रावत का योगदान है उसमें उनका भी 10 से 20% योगदान है, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 2022 में कांग्रेस सरकार में उन्हें मंत्री होना चाहिए था, वो फायदा भी उन्हें नहीं मिला। पहले ही संगठन में बड़ा पद मिल जाना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि राज्यसभा भेजने तक में भी उनके साथ भेदभाव किया गया। सुनते हैं पूरा बयान किशोर उपाध्याय का। हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। यहाँ कांग्रेस को स्थापित करने में अगर हरीश रावत जी का सर्वाधिक योगदान है तो किशोर उपाध्याय का भी 10-20% योगदान है, और ये सभी स्वीकार भी करते हैं। भले मेरे साथ उस हिसाब से न्याय ना हुआ वो अलग बात हो, लेकिन हमने पार्टी को इस्टेब्लिश किया है यहाँ। अरे भाई, मैं मुझे जो है ना ज़बरदस्ती मांगने की आदत नहीं है। मैं तो 84 में जब मैं आभारी हूँ और उस पुण्यात्मा का, मैं जब राजीव जी का इलेक्शन इंचार्ज था अमेठी में और मेरी वजह से नहीं, अपने प्रताप से, वो सबसे ज़्यादा वोटों से जीते और इतने खुश थे कि उसी समय कह रहे थे तुम यहाँ से चुनाव लड़ लो। हमने उस समय नहीं थी, हम पहाड़ के उड्यारों में गुफाओं में पैदा हुए लोग हैं। तब चाहे 2002 में हमारे योगदान की बात हो, मुझे क्या उस समय कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होना चाहिए था? मुझे पहले जो है वो CLP नहीं हो जाना चाहिए था? 2007 में अध्यक्ष नहीं हो जाना चाहिए था? या कई बार जो है उसके लिए राज्यसभा के लिए जो है अनदेखी की गई, तो इसकी बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन मैं आभारी हूँ पार्टी का कि भाई उन्होंने एक गांव के गरीब किसान के बेटे को, हल्दे के बेटे को यहां तक पहुंचाने का काम किया। नहीं, अब इसका जवाब तो देखो पार्टी दे सकती है कौन किसका कितना लाभ ले रहे हैं, लेकिन हमारी पहली ये होनी चाहिए प्राथमिकता कि उत्तराखंड आज जो डिरेल हो गया है वो सही रास्ते पर आ सके। जो तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया, उनका पूरा बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि अगर हरीश रावत का योगदान है उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूत करने का तो वैसे ही मेरा भी योगदान है, 10 से 20% तो योगदान है, लेकिन उसके मुताबिक मुझे सम्मान नहीं दिया गया। उनका दर्द छलका है और वो भी ऐसे समय में जब चुनाव बेहद पास है। कई मायने होंगे इसके, गुटबाजी लगातार कांग्रेस में हावी है, इस तरीके की बातें कही जाती हैं और ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली है। लेकिन इस बीच किशोर उपाध्याय का ये बड़ा बयान सामने आया है। हालांकि पार्टी के बड़े नेताओं का इस पर रिएक्शन क्या होता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन चुनावों से ऐन पहले इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं जनता के बीच गलत संदेश, गलत मैसेज जरूर पास करेंगे, क्योंकि किशोर उपाध्याय बड़े नेता माने जाते हैं। एक बार फिर से उनका बयान आपको सुनवाते हैं। हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। यहाँ कांग्रेस को स्थापित करने में अगर हरीश रावत जी का सर्वाधिक योगदान है तो किशोर उपाध्याय का भी 10-20% योगदान है, और ये सभी स्वीकार भी करते हैं। भले मेरे साथ उस हिसाब से न्याय ना हुआ वो अलग बात हो, लेकिन हमने पार्टी को इस्टेब्लिश किया है यहाँ। अरे भाई, मैं मुझे जो है ना ज़बरदस्ती मांगने की आदत नहीं है। मैं तो 84 में जब मैं आभारी हूँ और उस पुण्यात्मा का, मैं जब राजीव जी का इलेक्शन इंचार्ज था अमेठी में और मेरी वजह से नहीं, अपने प्रताप से, वो सबसे ज़्यादा वोटों से जीते और इतने खुश थे कि उसी समय कह रहे थे कि तुम यहाँ से चुनाव लड़ लो। हमने उस समय नहीं थी, हम पहाड़ के उड्यारों में गुफाओं में पैदा हुए लोग हैं। तब चाहे 2002 में हमारे योगदान की बात हो, मुझे क्या उस समय कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होना चाहिए था? मुझे पहले जो है वो CLP नहीं हो जाना चाहिए था? 2007 में अध्यक्ष नहीं हो जाना चाहिए था? या कई बार जो है उसके लिए राज्यसभा के लिए जो है अनदेखी की गई, तो इसकी बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन मैं आभारी हूँ पार्टी का कि भाई उन्होंने एक गांव के गरीब किसान के बेटे को, हल्दे के बेटे को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। नहीं, अब इसका जवाब तो देखो पार्टी दे सकती है कौन किसका कितना लाभ ले रहे हैं, लेकिन हमारी पहली ये होनी चाहिए प्राथमिकता कि उत्तराखंड आज जो डिरेल हो गया है वो सही रास्ते पर आ सके।